महाराष्ट्र में प्याज के दामों को लेकर किसानों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। पिछले 7-8 महीने से प्याज की गिरती कीमतों से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वर्तमान में किसानों को प्याज का इतना भाव कम दाम मिल रहा है कि किसान अपनी लागत नहीं निकाल पा रहे। प्याज के दामों में गिरावट के कारण किसान परेशानी में है। इसके चलते महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन ने आज नासिक के लासलगांव बाजार समिति में सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक नीलामी ही रोक दी। इस दौरान किसानों ने केंद्र, नाफेड और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और संघ ने प्याज 30 रुपए प्रति किलो से खरीदने की मांग भी की। फिलहाल अब मंडी में किसानों ने प्याज की नीलामी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव बाजार समिति में किसानों को इस समय प्याज का एवरेज भाव 8 रुपए से 10 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, जबकि किसानों का लागत मूल्य इससे दोगुना है। ऐसे में किसानों की आय कैसे डबल होगी? किसानों को इस साल के घाटे की भरपाई तक नहीं हो पा रही। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि परेशान किसान और संघ ने आज लासलगांव कृषि उपज मंडी समिति में प्याज की नीलामी को रोक दिया था। लगातार प्याज की कीमतों में गिरावट के चलते किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। दिगोले का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में घोषणा की थी कि वे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन किसानों की आय दोगुनी करने के बजाय खर्च दोगुना हो गया और आय आधी रह गई। सरकार की कार्यवाही और नैरेटिव में अंतर है और महाराष्ट्र के लाखों प्याज किसानों को प्याज का सही दाम नहीं मिल रहा। दिगोले ने कहा कि किसानों को इस समय प्याज का 8 से 10 रुपए प्रति किलो रेट मिल रहा है, जबकि प्याज की उत्पादन लागत ही 22 से 25 रुपए प्रति किलो है। वहीं इस साल किसानों के प्याज को साल भर औने पौने दाम मिले हैं, जिससे महाराष्ट्र के किसानों को प्याज की बिक्री से रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। दिगोले ने कहा है कि हमारी महाराष्ट्र सरकार से मांग है कि जिन प्याज किसानों को प्याज कम कीमत पर बेचा गया है, उन्हें 10 रुपए प्रति किलो की मुआवजा सब्सिडी देनी चाहिए। प्याज उत्पादकों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार को तुरंत किसानों से 30 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज खरीदना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।